आपका। थैंक यू। सबसे पहले जो आप लोगों ने आपका आप लोगों का जो मोटो था नए लोगों को मौका देना है, वो आप बखूबी कर रहे हो। और अभी जो शॉर्ट फिल्म आप लोगों ने शूट की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की शॉर्ट फिल्म है, स्टार कास्ट कौन है, और अगर डिटेल के बारे में बताना चाहे शॉर्ट फिल्म। बिल्कुल, मैं बताऊँगा कि पहले तो थैंक यू अपने चैनल में इन्वाइट करने के लिए हमें। दूसरी बात, जैसा कि आप सबसे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, 24 तारीख को जिस दिन हमारी लॉन्च हुई थी उस दिन भी हमने ये बोला था कि हमारा मोटो है सिल्वर फॉक्स प्रोडक्शंस का कि हम लोग नए लोगों को, नए टैलेंट को चांस देंगे। एंड लकीली राहुल सर की वजह से और इनके सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने अपना फर्स्ट शॉर्ट फिल्म शूट कर लिया है जिसका नाम है टुटू की लव स्टोरी, एक कान फाड़ प्यार। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट्स मोर लाइक अ कॉमेडी काइंड ऑफ अ जॉनर है। और हम लोग चाहते थे कि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी से स्टार्ट करें, बिकॉज क्या होता है ना कि आज की डेट में हर जगह आप देख रहे हो, किसी भी OTT को देखो, क्राइम, दिस दैट, एवरीथिंग इज मतलब वे बियॉन्ड। और कुछ कुछ चैनल्स हैं जिनको ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। पहले तो हम अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, एंड शायद उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े बड़े OTTs में भी जाएंगे। तो टूटू की लव स्टोरी जो है वो हमारा पहला शॉर्ट फिल्म था जिसमें हमारे कुछ सीनियर स्टारकास्ट भी हैं, जैसे कि कमल आदीप जी हैं जिन्होंने फादर का कैरेक्टर प्ले किया है, उसके बाद अरुणा सोनी जी हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया, उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख के साथ भी काम किया हुआ है। तो ये दो हमने नॉन फेसेस रखे थे उसमें। एक रूपाली हैं जो ऑलरेडी अपकमिंग अभी एक्ट्रेस हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने MX Play में काम किया है, जी में काम किया, जी म्यूज़िक में काम किया हुआ है, तो वो हमारी एक लीड रह चुकी हैं। और बाकी जितने भी स्टार्स कास्ट हैं वो सारे नए फ्रेशर्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका नाम लेना चाहूँगा, शैलेंद्र है, विनय बघेला है, और अंकुरिका डा है, दीप्ति मेघा है, ये लोग जितने भी हैं ये सारे फ्रेशर्स हैं। और अभी तक इन्होंने उतना मतलब कुछ भी काम नहीं किया हुआ, थिएटर से हैं। और जैसा राहुल सर हम चाहते हैं कि नए लोगों को चांस देने का, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि हम उनने उनको चांस दे पाया। ये थी हमारी अभी तक की मतलब जो शॉर्ट फिल्म हमने की है। मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो लॉन्च हो जाएगी, तो आप सब देख भी पाओगे, और उसका सेकंड एपिसोड भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और भी करें, कुछ और नए लोगों को भी चांस दें। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि हम म्यूज़िक वीडियो प्लान कर रहे हैं, जिनके लिए हमने ऑलरेडी प्रतीक गांधी जी और मनु शर्मा जी से बात कर रखी है। तो हम कुछ नए चेहरों को भी लॉन्च करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको मिलाऊँगा अभी उनसे कुछ देरों में। तो यही है अभी तक जो हमने किया है, और आगे का प्लान तो चलता ही रहेगा अभी। राइट, राहुल सर आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहता है एज अ प्रोड्यूसर, और जैसे सर ने कहा कि नए चेहरे को भी मौका देना है, स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम लोग कनेक्ट भी करें, तो उस चीज में मेरे स्टोरी जो होगा हमेशा क्लीन फैमिली लाइक होगा, कॉमेडी होगा, ठीक है, और एक साथ पूरे फैमिली देख सके, ऐसी में कुछ बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा। अभी एक फर्स्ट टेक बना चुका हूँ और नेक्स्ट मंथ मैं दो म्यूजिक एल्बम बना रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको नया चेहरा बुलाया हूँ, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आके इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ। सर, जैसे शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि नए चेहरे भी लेने वाले हैं और शॉर्ट फिल्म भी है, शॉर्ट फिल्म में थोड़े टाइम में बहुत कुछ बताना रहता है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये शॉर्ट फिल्म के लिए, और नए चेहरों को एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें आपको बतानी भी पड़ती होगी, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, क्या चैलेंज? नहीं, एब्सोल्युटली थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हर किसी को फेस करना पड़ता है जब आप नया कुछ स्टेप लेते हैं। हमारे भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए कि हम खुद अपना चैनल में मतलब हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। और लकीली हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, रुद्रा नाम है उनका, रुद्रा सिंह, जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है। एंड लकीली टीम भी इतनी हमारी सपोर्टिव थी कि हमने लोगों ने वर्कशॉप रखा था स्पेशली, क्योंकि हमें पता था कि ऑन सेट शायद मुश्किल बढ़ सकती है, तो इसीलिए स्पेशली हमने वर्कशॉप रखा था। बिकॉज ऐसे जैसा मैंने बताया कि सारे नए चेहरे थे, फ्रेशर्स थे, तो उनको एक सीखने के लिए। एंड लकीली मतलब इतनी अच्छी टीम थी, मैं ये बोलूँगा कि इतने सपोर्टिव थे कि ना उन्होंने टाइम के लिए कुछ वो किया, जबकि हमारा प्लान था कि शायद 11-12 बजे तक हम शूट कंप्लीट कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली शूट टाइम वे बियॉन्ड 2:30 बज गए हम लोग को शूट ख़त्म करते करते, एंड किसी ने कंप्लीट नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी टीम का होना जो होता है वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी जैसा कि आपने बोला चैलेंजेस थी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ओवरकम किया है, और एक नई सी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हमें कि जो जो गलतियाँ हुई है वो आगे के लिए ऑब्वियसली हम लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि वो हम नहीं करें,
बाकी जो वर्कशॉप का आइडिया था मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा था हमारे लिए, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत काम करके गया। राइट। और सर और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो नए लोगों को मौका दे रहे हैं आप, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नोन चेहरे भी ऑन बोर्ड आने चाहिए जिससे कि जो सीरीज है उसको भी बूस्ट मिले, बड़े बड़े प्रोडक्शन से वो मतलब ओटीटी से लॉन्च हो और प्रमोशन में भी थोड़ा सा इजी हो जाए और नए चेहरों को भी एक्सपीरियंस मिले बड़े चेहरे के साथ काम करने का? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जैसा बताया कि अभी जो हम लोग का था कि हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे कि हाँ हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग उतर चुके हैं। अब हम लोग जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब बड़े ओटीटीज की बात करते हैं, तो हमें ऑब्वियसली उनके क्राइटेरियाज भी मेंटेन करने होंगे, और उनके क्राइटेरियाज में नॉन फेसेस एक बहुत मैंडेटरी फीचर होता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन से लेके मैंडेटरी फीचर्स जो भी चैनल के होते हैं वो हम ज़रूर फुलफिल करेंगे। और इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि नॉन लोगों के साथ काम करने से जो नए बच्चे हैं उनको और ग्रोथ भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। तो हमारा आइडिया वही है, जैसा कि हम जैसे ही हम उस स्टेज पे आएंगे कि हाँ हम अपना एक बड़ा प्रोडक्शन कुछ कर सकते हैं या बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बड़े ओटीटी के साथ काम करेंगे, तब आप ऑब्वियसली देखेंगे कि हम नए चेहरों के साथ काम करेंगे। इनफैक्ट मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बट जो म्यूज़िक वीडियो भी हम प्लान कर रहे हैं दैट इज़ फॉर जी म्यूज़िक, तो ऑब्वियसली उस लेवल के ही स्टार्स कास्ट करेंगे। बेशक हो सकता है कि चेहरे नए हैं, लेकिन उनके साथ जो होंगे वो एक नॉन फेस ही रहेंगे, जो हमारे दो तीन गाने आने वाले, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हम उस चीज़ को मेंटेन ज़रूर करेंगे। सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा कि म्यूजिक वीडियो भी लाइन अप है, थोड़ा सा बताइए कि कब तक रिलीज होने वाले हैं और क्या कुछ? ये म्यूजिक वीडियो नेक्स्ट मंथ फरवरी में शूटिंग होगा और मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी एंड तक रिलीज करें इसको। ओके, और कौन से जॉनर में होंगे, मतलब डिफरेंट जॉनर में होंगे या फिर डिफरेंट? एक शायद पंजाबी नंबर्स होंगे, एक रोमांटिक होगा, तो ऑब्वियसली तीनों अलग अलग जॉनर के ही होंगे। लेकिन जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि नॉन लोगों के साथ, तो आई थिंक प्रतीक गांधी, मनु शर्मा ऑलरेडी एक नॉन नेम है इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली जब उनके साथ हम जुड़ रहे हैं तो वो बड़ा ही लेवल पे जाएगा, तो उसी हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। सर लास्टली जो एक्टर्स या फिर जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? यही बोलेंगे कि सपोर्ट अस, गो एंड वॉच आवर प्रोडक्शन का जो भी हम लोग कर रहे हैं, कीप इन टच विद अस, फॉलो अस ऑन इंस्टा, द सिल्वर फॉक्स एंटरटेनमेंट हमारा आईडी है, आप उस पर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे इंस्टा पे भी। एंड बाकी जस्ट सपोर्ट अस, मतलब इतना ही कह सकते हैं कि हाँ, और प्लीज़ गेट इन टच। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो नेक्स्ट प्लान है, जिस वजह से हम चाहते थे कि आपसे भी एक बार मुलाकात करें, बातें करें, वो ये है कि अभी तक आपने देखा होगा ऑब्वियसली बॉलीवुड बॉम्बे बेस्ड है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बॉम्बे में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिया में टैलेंट हैं जो बहुत छोटे छोटे शहरों से भी आते हैं। ये हम बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी देखते हैं कि छोटे शहरों के टैलेंट भी, मतलब कई बार क्या होता है लोग या तो वो हम पहुँच नहीं पाते उस जगह पर, तो हम चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचें, तो हम चाहते हैं कि हम छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ पे ऑडिशंस रखेंगे हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, और वहाँ से भी आर्टिस्ट उठाएंगे एंड उनको भी हम ये मौका देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिफोर वी लीव आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई टू न्यू फेसेस टू यू गाइज, जो हमारे म्यूजिक वीडियो में अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी जैसे हमने बताया कि हम कुछ नए लोगों को चांस दे रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान्ड है वो हमारा अपकमिंग म्यूज़िक वीडियो है, जो हम लोग प्रतीक गांधी और मनु शर्मा के साथ मिलकर करने वाले हैं, और उसमें शायद आपको एक नया सिंगर भी दिखे, और उसके साथ ही हमारे ये दो नए चेहरे हैं, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस, दैट्स पल्लवी अंग्राल, एंड शी इज़ फ्रॉम जम्मू, एंड अभी वो भी काफ़ी फ्रेशर हैं, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, लेकिन हम चाहते थे इस चेहरे को लॉन्च करना हमारे म्यूज़िक वीडियो में, और ये हैं रैना बैनर्जी। सो इन दोनों को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में, सो दिस इज़ फॉर यू, एंड गाइज कीप वॉचिंग अस, बिकॉज हम लोग आपके शहरों में भी आके आपको पिक करने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।